हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, जिसको हिंदी में भौगोलिक संकेत बोलते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेजर पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है भौगोलिक संकेत। तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में प्रदान किए गए थे। तो भौगोलिक संकेत का अर्थ एक ऐसा संकेत है जो कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुओं एवं विनिर्मित वस्तुओं की पहचान करवाता है। और पहचान करवाता है कैसे, कि किसी देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करवाता है। जैसे कि कोई वस्तु किसी राज्य क्षेत्र विशेष क्षेत्र में उगाई गई है तो उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषता उसके भौगोलिक उद्भोग के अनिवार्यता में योगदान देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो उसको उस स्थान के लिए उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग के लोगों के बारे में। तो जीआई टैग का लोगो ये है, जीआई टैग का लोगो और जो भारत में स्लोगन है जीआई का वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये है स्लोगन इंडिया में। नेक्स्ट है सबसे पहले किसको इंडिया में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है जिसको जीआई टैग दिया गया। तो भारत में सबसे पहला उत्पाद जो है वो है दार्जिलिंग चाय, जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में उगाया जाता था। इसको सन 2004-05 में जीआई टैग सबसे पहले प्रदान किया गया। और अभी हाल ही में सन 2019 की बात कर रहे हैं, सिरसी सुपारी जो कि उत्तर कन्नड़ ज़िले में उगाई जाती है और उत्तर कन्नड़ ज़िले कर्नाटक में उगाई जाती है और ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले के एलापुर, सिद्धपुर स्थानों पर उगाई जाती है। अब इस सुपारी की आकार की बात करें तो यह सुपारी सिक्के की तरह गोल होती है और इसके रासायनिक गुण भी अन्य की अपेक्षा कुछ अलग होते हैं, इसीलिए इसको भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है एरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु में उगाई जाती है, एरोड ज़िले में तमिलनाडु में उगाई जाती है। इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो इसकी जो विशेषता की बात करें अर्थात इसका क्या करैक्टर था जो इसे जीआई टैग मिला, तो इसमें कुरकुमिन 2.5% से 4.5% तक पाया जाता है और एंटी जर्मी तथा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है इसमें। तो इसको भी जीआई टैग अभी जल्दी में मिला है। इसे मारायूर इडिक्की पाया जाता है और इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें लोह तत्व अधिक मात्रा में, सोडियम तत्व कम मात्रा में पाया जाता है और ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसको परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, अर्थात किसी फैक्ट्री या मिल में नहीं बनाया जाता है, इसको खेत में ही वहाँ के स्थानीय लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चार वराइटीज़ हैं कॉफ़ी की जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो कि कर्नाटक के कोडागु ज़िले में उगाई जाती है, इसको जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। वायनाड रीजन केरला में उगाई जाती है और ये मिक्स क्रॉपिंग के तौर पर उगाई जाती है पीपर्स के साथ, तो इसको भी जीआई टैग प्राप्त की। चिकमंगलूर एंड बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में उगाई जाती है, इसको भी अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें चिकमंगलूर की, तो सबसे पहले भारत में जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी वो चिकमंगलूर ज़िले में ही स्टार्ट हुई थी। चिकमंगलूर ज़िले में कॉफ़ी की सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा आप नेक्स्ट बात करते हैं अराकू घाटी अरेबिका कॉफ़ी। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जो है ये विशाखापट्टनम और कोरापुट ज़िले में उत्पादित होती है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और कोरापुट उड़ीसा राज्य में है, तो इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिहार में कुछ प्रोडक्ट के को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं शाही लीची को। तो शाही लीची मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में उगाई जाती है। इस मुजफ्फरपुर के अलावा ये पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय ज़िले में भी उगाई जाती है। तो अब लीची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो भारत में कुल उत्पादन का 40% लीची बिहार में पैदा होती है, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन बिहार में होता है।
लीची बाज़ार में मई जून के महीने में आती है और लीची का कटोरा जो है देहरादून को कहा जाता है। तो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है किंतु लीची का कटोरा देहरादून को कहा जाता है और मार्केट में कब आती है, मई जून के महीने में, जो कि अभी आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं जरदालू आम। तो जरदालू आम जो कि बिहार में उगाया जाता है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा कतरनी चावल जो कि बिहार का ही प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है मगही पान। मगही पान को भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिलाव खाजा, ये भी बिहार का ही प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया जा चुका है। अब कुछ और राज्यों की बात करते हैं, तो शांगली ची हल्दी जो महाराष्ट्र में उगाई जाती है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बोरा शॉल राइस असम में उगाया जाता है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसका एक विशेष गुण है क्योंकि इसको जो कि है इसको बिना पकाए भी खाया जा सकता है, इसको भिगो कर भी खाया जाता है। इसके अलावा चाउ मास्क आप पुरुलिया जो कि पश्चिमी बंगाल का एक मास्क है अर्थात एक मुखौटा है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। कड़कनाथ चिकन मध्य प्रदेश, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तिरुभवनम रेशमी साड़ी जो कि तंजौर जिले में तमिलनाडु में उत्पादित की जाती है, इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। थैंक यू।